साइकिल बांटने के लिए साल 2022-23 और 23-24 की निःशुल्क साइकिलें क्लास 9 में पढ़ रही बालिकाओं के लिए वितरित होती है, लेकिन पूर्व में विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण साइकिलें वितरण का टेंडर देरी से हुआ। लेकिन जब यहां साइकिलें वितरण है तो विद्यालय में असेंबल हुई तो कुछ साइकिलें ही वितरित हो पाई, लेकिन अधिकतर साइकिलें लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के कारण वितरित नहीं हो पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज में शेख जोर। लोकसभा चुनाव हो गए हैं लेकिन आचार संहिता नहीं हटी है। ऐसे में नोडल केंद्र से असेंबलिंग होकर साइकिलें संबंधित विद्यालयों में वितरण के लिए खड़ी है। विद्यालयों में 17 मई से गर्मी का अवकाश शुरू हो जाएगा और 1.5 माह तक यह साइकिलें विद्यालयों में ही रहेंगी। ऐसे में इनकी चोरी की संभावना रहेगी क्योंकि विद्यालय दूरदराज स्थान पर हैं और 1.5 महीने तक बंद रहेंगे। ऐसे में साइकिलों की सुरक्षा सस्पिशियस है। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने शिक्षा मंत्री एवं प्रमुख शासन सचिव शिक्षा से मांग की है। सुनिए विपिन प्रकाश शर्मा ने क्या कुछ कहा। कक्षा 9 में अध्ययनरत जो बच्चियां हैं उनको सरकार साइकिल का वितरण निशुल्क करती है। जो गत 2 सत्र की साइकिलों का वितरण अब किया जा रहा है और साइकिलें असेंबल हो गई हैं। कुछ जिलों में तो बट गई है लेकिन ज्यादातर अधिकांश जिलों में साइकिलें बटी नहीं है और लोकसभा की आदर्श आचार संहिता का कारण बताकर इन्हें बांटा नहीं जा रहा है। स्कूलों में अब ग्रीष्मावकाश 17 मई से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में 1.5 महीने उन साइकिलों की सुरक्षा कौन करेगा। संगठन मांग करता है कि इन साइकिलों का वितरण का समारोह आयोजित नहीं कर विद्यालय स्तर पर इनको वितरित कर दिया जाए तो ज्यादा श्रेयस्कर रहेगा, क्योंकि 1.5 महीना इनकी सुरक्षा कौन करेगा, अगर चोरी हो जाती है तो उसकी भरपाई कौन करेगा। पहले ही ये जो साइकिलें हैं 2 सत्र लेट चल रही है। ऐसे में हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन साइकिलों का वितरण ग्रीष्म अवकाश से पूर्व किया जाए। अब अगर 1.5 महीने तक ये साइकिलें स्कूल में खड़ी रहती हैं तो इनके खराब और चोरी होने का खतरा है। ऐसे में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने शिक्षा मंत्री और प्रमुख शिक्षा शासन सचिव शिक्षा इन्हें जल्दी वितरण करने की मांग की है। ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए देखते रहे द नगरी न्यूज़।